हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम। दिस इज योर शिल्पा। आज मैं बनाने वाली हूँ बटरस्कॉच आइसक्रीम, जो बनाने में बहुत इजी है और बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है एंड इट टेस्ट जस्ट ऑसम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है रफली चॉप किया हुआ 10 से 12 काजू, 10 से 12 रफली चॉप किए हुए बादाम, 1 टीस्पून ऑफ बटर, 1 टीस्पून ऑफ बटरस्कॉच एसेंस, 5 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो उसकी जगह आप पिसी हुई शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर, इसकी जगह आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप हैवी क्रीम, यहाँ आप अमूल क्रीम या कोई दूसरे ब्रांड की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हम प्रे लाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और हीट को मीडियम पे रखा है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। शुगर को हमें मेल्ट करना है और इसे कैरमलाइज करना है। ये देखिए शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया है, इसे बीच बीच में स्टर करते रहें। देखिए हमारा शुगर अच्छे से कैरमलाइज हो गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम, मिक्स कर ले। हम इसमें ऐड कर रही हूँ बटर, अच्छे से मिक्स कर ले सबको। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है, तो इसे अब हम एक एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल की जगह आप किसी स्टील की प्लेट को बटर से ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा फैला देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए प्रे लाइन रेडी हो गया है। अब हम इसे छोटे छोटे चंक्स में स्मैश कर लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटा सा पीस सेव कर लिया है जिसे मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो इसे इस तरह से पेपर टॉवल से कवर कर दें और एक बेलन से इस तरह से स्मैश कर लें। ये देखिए हमें इसका एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसे मैंने आधे घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हैवी क्रीम, आप इसकी जगह कोई स्टील का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्रीम को हमें हैंड मिक्सर की हेल्प से सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करना है। तो देखिए क्रीम की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर और बटरस्कॉच एसेंस। सबको इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। देखिए मैंने यहाँ सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्रे लाइन, यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रे लाइन गार्निशिंग के लिए सेव कर लिया है और इसे भी इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आइसक्रीम बनके एकदम रेडी है, अब हम इसे फ्रीज करेंगे। यहाँ मैंने कांच का एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, इसकी जगह आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आइसक्रीम निकाल लेंगे।
अब मैं इसे एक प्लास्टिक रैप से इस तरह से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसे पहले प्लास्टिक रैप से कवर किया है। अब हम इसे कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये 8 घंटे में बनके रेडी हो जाती है। तो देखिए, हमारी आइसक्रीम बनके एकदम रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ इस तरह का ग्लास यूज किया है। तो आइसक्रीम को हम इस तरह से स्कूप कर लेंगे। आइसक्रीम बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा प्रेलाइन। जो मैंने प्रेलाइन का पीस सेव किया था उसे भी इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनके रेडी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनी है। कि देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू गोना लव इट। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी एंड फॉर मोर रेसिपीज प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन यम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।